भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में बुधवार से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। टीम इंडिया सीरीज में 2 से बढ़त बनाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहेगी। हालांकि भारत के पास इस मुकाबले को जीतकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने का मौका है। महत्वपूर्ण मैचों को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में एक बदलाव कर सकती है। भारत ने भले ही इस सीरीज में 2 से बढ़त बना रही है, लेकिन दोनों ही मुकाबले में रोहित शर्मा को छोड़कर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में सबसे ज्यादा निशाने पर KL राहुल है। राहुल के लिए अब टीम में जगह बचाए रखना नामुमकिन है। राहुल के स्थान पर शुभम गिल को मौका मिलने की संभावना है। गिल ने सोमवार को कोच राहुल द्रविड़ की निगरानी में जमकर प्रैक्टिस भी की है। मिडिल ऑर्डर में कोई बदलाव होने का चांस नहीं है। पुजारा, कोहली और अय्यर पर मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने का जिम्मेदारी रहेगी। नंबर 6 पर शानदार फॉर्म में चल रहे रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। पहले 2 टेस्ट में बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखाने के बावजूद केस भारत को इस मैच में भी मौका मिलना तय है। भारत 7 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी टीम इंडिया कोई बदलाव नहीं करने वाली है। अश्विन और अक्षर पटेल न सिर्फ शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्कि पहले 2 टेस्ट में बल्ले से भी महत्वपूर्ण योगदान देकर उन्होंने टीम को जीत दिलाई है। वहीं शमी और सिराज ने स्पिनर्स के लिए मददगार पिच पर भी कई मौके पर टीम को जरूरी सफलता दिलाई है। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना कप कप जरूर सब्सक्राइब करिएगा।